जो कोई परंपरा से हमारे करते आए हैं, जैसे बोलते हैं कि लोकल, रीजनल और सीजनल, ये तीन चीजें करनी चाहिए। किसी ने बोला है कि ये प्रोटोटाइप अच्छा है, यहाँ के एप्पल अच्छे हैं, पर वो रीजनल है क्या? नहीं है। हमारे बॉडी के लिए जो चाहिए वो हमारी धरती में आसपास उगा देती है, तो जो हमारे आसपास मिलता है वो हमको डाइजेस्ट करने में बहुत इजी रहता है, तो हमको वही करना चाहिए। तो ये हो गई पहली वाली बात। तो दूसरी वाली बात हेल्थ, मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारा जो जीवन चल रहा है उसके लिए मूल कारण क्या है, कोई बता सकता है? हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, वन साइडेड नहीं रहेगा। व्हाट इज द रूट, जैसे पेड़ को जड़ें होती है ना, तो हमारे जीवन की जड़ें क्या है जिससे हमारा जीवन वाला पेड़ जो है ठीक से हरा भरा रहे? ओके, ब्रीथिंग, हेल्थ, स्वास्थ्य। बहुत सही बोला। आयुर्वेद में एक श्लोक ऐसा है, आयुर्वेद शास्त्र में, धर्मार्थ काम मोक्षाणा आरोग्यम मूलम उत्तमम, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए आरोग्य जो है उत्तमम मूलम, मतलब सबसे बढ़िया जो मूल है वो आरोग्य है। मतलब जो धर्म करते हैं, अर्थ करते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, जिसे हम काम वगैरह बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए जो है वो रूट जो है वो आरोग्य है। और ये बहुत 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 साल पहले आयुर्वेद शास्त्र में लिखी हुई बात है कि आपको मोक्ष भी चाहिए, आप धर्म भी करते हो, तो उसके लिए आपका जो स्वास्थ्य आरोग्य है वो बहुत आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आरोग्य स्ट्रांग रखना कैसे रख सकते हैं? इससे पहले आरोग्य क्या है, मतलब स्वास्थ्य क्या है, इसकी वजह से इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो स्वास्थ्य क्या होता है, कोई बता सकता है? स्वास्थ्य, व्हाट इज स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या होता है? निरोगी काय होना, ठीक है, और स्वस्थ मन, निर्मल। ओके, गुड, निरोगी रहना, वात पित्त कफ स्वस्थ रहना, और लाइफस्टाइल। ओके, अच्छी नींद आना, अच्छा, ठीक है, गुड। तो ये जो सारे आंसर है मिला के एक आयुर्वेद शास्त्र में स्वास्थ्य क्या है, इसका डेफिनेशन दिया है, वो क्या है? वो नहीं है, समन्वोष समाग्निष्ठ समधातु मलक क्रिया का प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यभिहीयते, ऐसा संस्कृत में श्लोक आया है। तो इसका क्या अर्थ क्या है? समदोष, जैसे भैया जी ने बताया कि वात पित्त कफ सम होने चाहिए। बहुत इसका सेशन, मतलब एक 6 घंटे चल सकता है, उतना बड़ा सेशन है, पर शॉर्ट में बताती हूँ। जो आपको पता है कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, तो इन शॉर्ट बॉडी में जो कोई भी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है वो वात होता है, और जो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब एक हम खाते हैं रोटी खाते हैं और वो पचता है, रस रक्त मांस वगैरह बनता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्म करने का जो काम होता है पित्त का होता है। और जो स्टेबिलिटी देता है, मतलब मेरी स्किन ऐसी है वो ऐसी ही स्टिफ रहे, ये काम कफ का है। तो इन शॉर्ट ये तीनों चीजें सम होनी चाहिए, समदोष समाग्निश्च। अब अग्नि, अग्नि मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ना, आज ये बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कैसे आती है, मैं आपको बहुत मतलब एक अच्छा सीक्रेट बताती हूँ। इम्यूनिटी इज नथिंग बट अग्नि, मतलब हमारे जो पचाने की शक्ति है और जो ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है उसको अग्नि बोलते हैं। जो हम खाते हैं वो पचता है, तो वो बस पेट का ही अग्नि नहीं, क्या बोलते हैं, धातु अग्नि भी बोलती है। जो हम खाते तो रस बनता है, रख बनते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए वहाँ पे भी अग्नि चाहिए। तो ये अग्नि जो है ये सबका मतलब सीक्रेट ऑफ इम्यूनिटी। तो इन शॉर्ट अग्नि देखते हैं, अग्नि के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कि कोई कोई बोलता है कि यार मैं कुछ खाता ही नहीं बाहर का, फिर भी मेरा पेट ऐसा ही रहता है, तो मैं क्या करूँ। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्थर भी खा के पचा लेते हैं, होता है ना। और कोई ऐसे होते हैं कि कुछ खा ना खा उनका पेट बिगड़ा हुआ रहता है। और किन किन का ऐसा रहता है, जैसे जैसे हम घर का अच्छा अच्छा खाते तो अच्छा रहता है,
पर बाहर का कुछ भी खा ले तो पेट बिगड़ जाता है। तो ऐसे रहता है ना हमारे अंदर, तो कोई बोलता है कि मुझे वैसा बनना है वैसा बनना है, ऐसा नहीं होता। ये जो अग्नि जो है प्राकृत वाली रहती है, आपको इसे आप ज़्यादा चीज नहीं कर सकते, आप मेंटेन कर सकते हो। तो आपको पता है कि किसी चीज से आपको हेल्थ को क्या होता है साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अग्नि मेंटेन करने के लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या ये दो रहता है। तो ये दोनों में बहुत 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 बड़े टॉपिक्स हैं। हम 2 साल एक एक महीना लेंगे तो भी चलते जाएंगे इतने टॉपिक पर। इन शॉर्ट जैसे होता है ना कि बारिश में हमारी अग्नि जो रहती है कम, मतलब भूख ज़्यादा नहीं लगती। आपने देखा होगा कुछ कुछ सीजन से ऐसे रहते हैं कि उनमें हमको भूख ज़्यादा लगती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर भी हमारी 3 रोटी है तो मैं 3 रोटी खाऊंगी, तो ऐसा नहीं। अग्नि के हिसाब से देख के आपको फूड का थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जैसे हम समर में लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं तो विंटर में थोड़ा डाइट डिफरेंट होता है। जो हमारी नानी वगैरह फॉलो करते आए हैं ना, तो वो सब थोड़े देख के हमको हमारे डाइट में उस सीजन के हिसाब से थोड़े से चेंज करने चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? अग्नि का देखो, अग्नि अच्छी है ये हम कब समझ सकते हैं कि मैंने बोला कि हम खाते हैं तो ठीक से पच के हमको जो वॉशरूम जाते हैं वो ठीक से हो जाए, और जो खाने के बाद जो क्या बोलते हैं बेल्चिंग वगैरह आते हैं एक्सेट्रा, वो कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखे इन लास्ट प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, ये होने चाहिए। मैंने खाना खाया है तो मुझे ऐसे नींद आ रही है और क्या बोलते हैं चिड़चिड़ हो रही है। आप देखो ऐसा होता है, जब हम तीखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो हमारा मूड का वेरिफिकेशन थोड़ा बहुत होता है। तो वो एक है कि हमारा जो एकदम क्या होता है प्रसन्नता, कामनेस, कि हम खुशी से हैं, हमारे क्या होता है सेंस ऑर्गन्स वगैरह कुछ नहीं है, एकदम आराम से हमको जो प्रसन्नता वाली फीलिंग आती है ना वो है अल्टीमेट। उससे पहले क्या है, हम मोशन देख सकते हैं कि जैसे हम खाते हैं तो ईजिली सुबह उठ के कुछ भी ना लेते हुए मुझे मोशन जाने के लिए चाय लेनी पड़ती है, दूध देना पड़ता है, नहीं तो पानी देना पड़ता है, तभी मोशन जाते हैं। दिस इज़ नॉट नॉर्मल सी। जैसे हम श्वास लेते हैं, दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस। श्वास लेना, मोशन जाना, हमको भूख लगना, खाना, ये क्या बोलते हैं नैसर्गिक प्रक्रिया है। एंड ये नेचुरली होनी चाहिए। समझो आपको किसी को अस्थमा है फॉर एग्जाम्पल, और अब अस्थमा ईजी करने के लिए वो कुछ होता है ना पुष्पुष वो लेते हैं, तो वो लेके आप अगर श्वास क्रिया करते हो दैट इज नॉट नॉर्मल ना, ये नेचुरली होनी चाहिए, तो आप उनको नॉर्मल बोलते हैं। तो मोशन का भी वैसा ही है, वो नॉर्मली आपको बाहर जानी चाहिए। सुबह उठते ही जैसे आपको पेट नॉर्मली विदाउट एनी इंडक्शन कुछ भी नहीं, पानी पी लो चाहे, ऐसा नहीं। जब ऐसा होता है तो इसका एक रीजन, एक हम समझ सकते हैं कि हमारी अग्नि ठीक है। ठीक है, ये एक क्रॉस चेक है। इसके बाद मलमूत्र वगैरह ये सब बाकी सिम्टम्स है। ठीक है, समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिया। दोष तो क्या बोलते हैं धातु, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, रहने दो, बाद में लेंगे। और अल्टीमेटली हमारे जो बहुत अल्टीमेट क्रॉस चेक, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना प्रसन्न। अगर प्रसन्न नहीं हो तो एक चीज़ है कि खान पीना, मतलब जो हेल्थ के जो त्रयोपस्तंभ बोलते हैं, तो अभी ये जो खड़ा है ना इस पर जो देखो 3 है स्तंभ, तो ठीक से खड़ा है। तो हमारे शरीर के लिए भी 3 ही होते हैं कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हमारा खाना सोना और हमारा काम। जो हम इस ये जो 3 प्रक्रिया है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, जो बैलेंसली होते रहे तो हमारे जो शारीरिक रूपी जो हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। ठीक है, तो इसमें मेंटेन करने में हम यूजुअली कहाँ पे गलती कर रही है एक शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। जैसे हम ओपीडी देख रहे थे ना, तो हमारा खाना तो अच्छा है, 2 टाइम ही खाते हैं, बीच में वो ज़्यादा पानी वगैरह कुछ नहीं पीते, ठीक से सोते हैं, सनसेट से पहले खा लेते, ज़्यादा तीखा भी नहीं खाते हम, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, फिर भी जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही ना वो दिनचर्या में बहुत माइन्यूट है, वो बता देती हूँ। तो दिनचर्या होनी कैसे चाहिए, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद पहली चीज़ है कि हमारे मल मूत्र त्याग हो जाने चाहिए इजीली विदाउट एनी इंडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है व्यायाम वगैरह होता है, अभ्यंग स्नान वगैरह होता है, नस्य रहता है, तो वो थोड़ा बाद में लेंगे। इन शॉर्ट इसके बाद नहाने से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए,
बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं, मतलब 50% ऑफ द लोग नहाने से पहले कुछ खा लेते हैं, नहीं तो पी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी ही ले लो, सुबह उठते ही पानी पीना, कितने लोग पीते हैं यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो मैं बोलती हूँ कि ये मिस्टेक कैसी हो रही है, आयुर्वेद में रेफरेंस है कि सुबह उठ के आप इतना इतना पानी पियोगे तो आप 100 साल आराम से जियोगे, एक रेफरेंस है। तो वो रेफरेंस एक रख के कुछ रिसर्च वगैरह करके उन्होंने बोल दिया कि आप पानी पियो आप अच्छे रहोगे, पर उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा। कि जैसे हम समझो और नॉर्मल वाला पानी पी लिया तो उसको पचाने के लिए 3 घंटे चाहिए, और जो थोड़ा ठंडा वाला पानी पी लिया तो उसको 6 घंटे, और जब पानी उबाल के पीते हैं तो उसको पचने के लिए 1.5 घंटे तक चाहिए। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है कि पहला वाला पचने तक दूसरा वाला आहार नहीं खाना चाहिए। एग्री? तो अपने पहला अभी खाया है तो अभी पचा नहीं है और अभी दूसरा खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कुकर आपने रख दिया है राइस बनाने के लिए, आधा पक गया है चावल, जो आधे पक गए हैं आपने उसको और एक बार ओपन करके और थोड़े से चावल डाल दिए तो पचेगा क्या? ये भी नहीं पचेगा, वो भी नहीं पचेगा। तो पेट में भी वैसा ही होता है, जो पानी है ये भी आहार है क्योंकि ये खाते ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलता है। तो पानी भी ऐसे पीते तो पानी डायरेक्टली फ्लश तो नहीं है ना, कि जैसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे पानी वैसे ही नहीं आता, वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और जो चेंजेस करने के लिए अग्नि को कुछ काम करना पड़ता है। जैसे हम खाते तो पचाने के लिए जैसे अग्नि ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाहिए ना, तो पानी भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए अग्नि चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी हम इजीली पीते तो निकल जाता है, वैसा नहीं होता है, देखते हैं ना, तो क्वालिटीज तो डिफरेंट है ना। तो होता क्या है, तो हम ये भी नहीं पीते, पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद बस 5-10 मिनट हो गए चाय पी ली, चाय पीने के बाद 5-10 मिनट हो गए नहाने के लिए चले गए, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट मुझे प्रेफरेंस देना था पानी का, अगर पानी पीते हो तो मेक श्योर दैट वो पचता है, वो पचने के बाद आप दूसरा कुछ नहा सकते हो, नहीं तो खा सकते हो, नहीं तो पी सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब वो पचता नहीं है तो वैसे ही क्या बोलते हैं, न पचने वाला जो पानी होता है, अन्न होता है, कुछ भी होता है, तो काइंड ऑफ टॉक्सिन जिसको आम विष बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और यही पे अक्यूमुलेट यहाँ पे वहाँ पे होके रह के, ठीक है यहाँ पे क्लॉट हो गया, वहाँ पे क्लॉट हो गया, यहाँ पे दुखना, वहाँ पे दुखना, ये ग्रेजुअली स्टार्ट होता है। ऐसा इमिडिएटली नहीं होता कि आपने आज पानी पी लिया और कल आपको घुटने वगैरह दर्द शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता। तो जैसे हम रहता है तो अक्यूमुलेट होके और अ पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसके बाद कुछ यहाँ दुखना वहाँ दुखना, तब को कुछ लोगों को समझ में नहीं कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज ठीक कर रहा हूँ, जो बोला है कि 5 लीटर पानी पियो, मैं सब पी रहा हूँ, तब मुझे ये कोई प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम्स, मतलब छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें किसी को डाउट है, डाउट तो होने चाहिए। बताए इसके बाद में स्नान के लिए आती, पानी में किसी को डाउट है? हाँ, तो इसलिए मैंने पहले एक सेंटेंस बोला था कि जो रिसर्च पेपर है ये बदलेंगे, हमारा जो शास्त्र है वो नहीं बदलेगा। जब हम आयुर्वेद शास्त्र ओपन करते हैं तो उसमें दिनचर्या में कुछ दिए हैं कि पहले आप उठो, मलमूत्र करो, स्नान करो, अभ्यंग करो, तो सीरीज है, इस किसी में भी पानी पीना बोल के शास्त्र में नहीं आया। और रिसेंट के रिसर्च थोड़े आप सर्च करोगे तो ओवर हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा पानी पीना, ये भी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है, ये जो रिसेंट वाले डाइटिशियन है उन्होंने अपडेट कर दिया है। अब ज़रा देखो तो आपको पता चल जाए कि ओवर हाइड्रेशन ये भी एक प्रॉब्लम हो रही, कन्वर्ट हो रहा है, और ये बस 1-2 साल पहले हुआ है। बहुत लोगों तक अभी तक रिसर्च पहुँचा नहीं है, पर ये होगा, धीरे धीरे होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, मेक श्योर दैट आपको पच रहा है, पचेगा, और पचने के बाद कुछ क्या बोलते हैं, पता चलता है कि हमको भूख लगना स्टार्ट होती है और थोड़ा फ्रेश लगना स्टार्ट होता है, नहीं तो यूरिन, नहीं तो मोशन पास होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, जैसे पानी पचता है तो हमको नेक्स्ट वाली भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक 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 आप पूछिए। हाँ,
तो पानी पीने के लिए दो ही रूल्स हैं, एक खाने के साथ पानी पियो और दूसरा है कि जब आपको प्यास लगती है तब पानी पियो। और प्यास लगने के बाद एकदम से गिलास उठा लिया पूरा का पूरा एक लीटर पानी पी लिया, वैसे नहीं है। ऑब्जर्व करो, हम जब ज़्यादा चल के आते हैं ना तो ज़्यादा बोलते हैं, हमको प्यास लगती है, वो पेट में नहीं लगती प्यास, हमको गला सूखता है। सब बोलते हैं गला सूख रहा है पानी दो, भूख लग रही है मेरे पेट को प्यास लग रही है पानी दो, इसने बोलते गला सूख रहा है पानी दो। तो सिर्फ गला अपना थोड़ा सा गीला हो जाए, अराउंड एक आधा ग्लास नहीं तो एक चार से पाँच सिप्स मोर देन इनफ है वो मतलब हमारी प्यास शांत करने के लिए। और एक है कि फॉर एग्जांपल आपको पतला होना है तो खाने से पहले पानी पियो, और आपको जो हेल्थ जैसी वैसी मेंटेन करने के लिए तो खाने के साथ साथ पानी पियो, और आपको थोड़ा वजन बढ़ाना है हेल्दी होना है तो खाने के बाद पानी पियो, ये एक रूल है। और जब प्यास लगे तब पानी पियो, बस इतना ही रूल है। ये दो रूल छोड़ के सारे शास्त्र में आप निकालो, पानी पीना ऐसा रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एक रेफरेंस है जो रसायन अध्याय में है, तो वो जो है आपकी अग्नि कैलकुलेट करके कितना, जैसे हम वमन विरेचन वगैरह देते ना पंचकर्मा करते ना, उस टाइप में उसका वर्णन आया है। वो प्रकरण ये है, एक श्लोक है, एक श्लोक उठा के सबने वो डाल दिया कि ऐसा वो ऐसा करता है, पर जो पीछे वाले जो सारे कंडीशन है वो सब आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। हाँ, वो बोलती हूँ मैं, वो किन पर्सन्स में हेल्प हुई बोलती हूँ, जिनका पित्त प्रकृति रहती है और उनके बॉडी में द्रव पित्त ज़्यादा रहता है तो उनको वो हेल्प होता है। फॉर एग्जांपल कैसे समझो, हम अभी इडली डोसा का बैटर बना रहा है तो मिक्सर में चावल डालते हैं, बाद में पानी डाल के मिक्स करते हैं और देखते हैं और चाहिए क्या, कंसिस्टेंसी देखते हैं, तो बीच बीच में पानी डाल के मिक्स करते हैं, तब जो बोलस रेडी होता है तो वो अब्सॉर्प्शन के लिए अच्छा वाला बनता है। नहीं तो पूरा का पूरा अपना एकदम सॉलिड वाला पूरा बोलस बना दिया तो आगे जाके उसका पहला बनना है आहार रस, रस रक्त मांस मेद अस्थि, तो पहला वाला जो रस बन रहा है लिक्विड धातु, क्योंकि बॉडी में लिक्विड ही ज़्यादा है तो उसको अब्सॉर्प्शन के लिए जो रेडी होता है तो वो बहुत गाढ़ा बन जाता है और कॉन्स्टिपेशन जैसे नहीं तो और कुछ कुछ तो ऐसा बनते जाता है। तो हम खाने के साथ साथ जब ठीक से पानी डालते हैं तो जो बनता है ठीक से बनता है। और पानी कितना पीना चाहिए इसके लिए भी रेफरेंस है, इसके लिए दो रेफरेंस है। एक तो है कि आप अपने पेट के तीन पार्ट बनाओ, एक पार्ट भरो सॉलिड से मतलब जो भी हमें रोटी होती है चावल होता है, और एक पार्ट भरो पानी से, और एक पार्ट खाली रखना चाहिए। और एक रेफरेंस है कि अपने स्टमक के चार पार्ट कर लो, मतलब 100% में 50% सॉलिड, 25% लिक्विड, 25% खाली, इतना ही रूल है। अगर आप इस प्रोपोर्शन में पानी पीते हो तो ठीक से पचता है और जो बनता है वो ठीक से बनता है। लेकिन वो पेशेंट्स कैसे समझेंगे? हाँ? पेट कितना बड़ा कैसे समझेंगे? नहीं, कोई बाहर कैलकुलेशन है कि अपने वेट से रिलेटेड ऐसा कोई कैलकुलेशन है? नहीं नहीं, वेट से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं, हमारे अग्नि के रिलेटेड कैलकुलेशन है। तो हमको पता है कि समझो मैंने तीन रोटियां खा ली तो मेरा पेट भरता है, किसी को चार रोटियां खा के पेट भरता है, किसी को एक रोटी खा के पेट भर जाता है। और जब हमको भूख लगती है तो हम खाना ना खाते पानी पी के देखो कि कितना पानी पीने से पेट भरता है ना, तो एक हमारे मेजरमेंट हमको खुद को निकालनी पड़ेगी। एनालिसिस करो, ऑब्जर्वेशन करो, यही है। सीजन के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँगी कि आपको समर में गर्म पानी पियो तो सब भाग जाएगा, तो जो गर्म पानी उबालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जो उबला वाला गर्म पानी पीते हैं ना, उबला वाला, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ हल्का सा सिर्फ गर्म कर लेते हैं, उसको एक बॉईल आना चाहिए तब वो ठीक से पचता है, मतलब पकता है। हम सब्जी जो होती है बस ऐसे ही आधी नहीं पकाते ना, उसको ठीक से उबालते हैं तब वो पकती। पानी का भी ऐसा होता है, सिर्फ हमको गर्म नहीं करना चाहिए, सिर्फ जब आधा ही गर्म करते तो वो भी काइंड ऑफ आम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसको अपक्व जल बोल के रेफरेंस है। तो अपक्व है और अपक्व जो खाते हैं तो उस एक मिनट बोलती हूँ, तो जो अपक्व जल होता है तो उससे भी आम वाले कंडीशंस फॉर्म होते हैं। तो पक्व जल की जो कॉन्सेप्ट है, तो एक बार पानी उबालो, तो उबला वाला पानी जब पीते हैं तो कफ हर बनता है, और जो उबाल के पूरा ठंडा करते हैं तो पित्त हर होता है। जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए, मत पियो।
होती है तो फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप पानी की कमी होगी तो आपको दिक्कत होगी। देखो बोलते तो बहुत है, हम सब फॉलो करते हैं, फिर भी हम सफर क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी ऐसा बोला कि ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च बोल के वो पीने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कोई आदमी खेत में काम कर रहा है और कोई आदमी एसी में बैठ के काम कर रहा है, और जब खेत में काम कर रहा है वो चार चार पाँच पाँच लीटर पानी पी के स्वेट होके वो पचा देगा, उसको ज़रूरत है क्योंकि वो स्वेट कर रहा है उतना और उसको ज़रूरत है। अरे हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, हम एसी में बैठ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, तो उतना पानी आपको ज़रूरत क्यों है। हमारे शास्त्र में नहीं लिखा, रिसर्च में लिखा है और वो बदले हैं। अभी जो पहले बोलते थे अब नहीं बोलते, अब ओवर हाइड्रेशन मतलब ज्यादा पानी पीने से बीमारियां बढ़ती है। हाँ लिमिट यही है कि अब खाने के साथ जो मैंने बोला प्रोपोर्शन, उतना पानी पियो, जब प्यास लगती है तभी पानी पियो, ये मोर देन इनफ है। ऐसे जो कैलकुलेशन बताया लोगों का ये दृढ़ बन चुका है कि पानी तो कम से कम जितना होता है 3-4 लीटर पीना चाहिए, भले प्यास लगे फिर भी पी लो, हम भी करते कभी कभी ऐसा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके जो कोई भी क्वेश्चन है मुझको जो बोलना था मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है और आप फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो प्रसन्न आत्मा है, इंद्रिय मन है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपको क्रॉस चेक करो, आपके पानी की जो ज़रूरत है आपके बॉडी को ऑब्जर्व करो। पानी तो लगता है पर कितना लगता है सबके हिसाब से बदलेगा। मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, मुझे प्यास लगते थे, मैं अभी जाके पानी पीऊँगी। कोई समय क्या बोलते धूप में जाके आए उसको प्यास लगे पानी पिएगा, और पानी उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जो खाते हैं जो बोरेज बनते हैं तो उससे ऑब्जॉर्प्शन होता है। जैसे मैंने बोला कि हमने खाना खाया है वो पचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और जब पच रहा है फिर मैं अब बीच बीच में फिर से पानी डाल रही हूँ, फिर से पानी डाल रही हूँ, फिर से वो एक्स्ट्रा डाइल्यूट हो जाता है। और जो हाँ पेट की जो ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी है, जिसको मैंने अग्नि बोला कि सबकी एक तरह नहीं होती, तो जो ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है तो पानी को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तो आप उसको कितना काम दोगे। एक बार डाल लो जो खाना खाते हो डाल के बंद कर लो, नेक्स्ट जब तक वो प्यास नहीं लगती तब तक पानी मत पियो, नहीं तो जब तक वो भूख नहीं लगती तब तक खाना मत खाओ। इतना करो, इम्यूनिटी है जो इसका जो सीक्रेट हो इसमें इसी में है। और आपने जैसे बोला कि किसी किसी को हेल्प होता है, जिसको मैंने बोला कि द्रव पित्त होता है, जिनको जिनके बॉडी में जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं ना, उनके स्टमक में ऑलरेडी इतना एसिड सीक्रेट होता रहता है जो काइंड ऑफ अबनॉर्मल भी है, पर उन कंडीशन में जब हम पानी कम पीते हैं तो वहाँ पे बैलेंस करता है। हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। देखिए हमारे देश काल जो है बहुत बदलते हैं, गुजरात में जो है, बेंगलोर में जो है, यहाँ पे जो है, सबके पानी के रिक्वायरमेंट अलग है। वो कहीं तो पूरा आउट ऑफ में बैठ के स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि आप इतना पानी पियो, बहुत गलत है। बीपी का भी बोल रही मैं, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब छोड़ देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खुद का बीपी देखो 90/60 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, आपकी बॉडी अलग है, आपका जो रहते हैं वो रीजन अलग है, आप खाना जो खाते हो वो अलग है, सबका एक जैसा नहीं है, तो सबके हिसाब से कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तब स्टैंडर्डाइज मत करो। और बहुत लोग ऐसे होते हैं रिपोर्ट के पीछे जाते हैं, यार मेरा ये बढ़ गया वो बढ़ गया, मत करो। जब तक आप हेल्दी फील नहीं करते, और जो मैंने अभी चीज़ें बताई कि ये करनी चाहिए, इतना करते रहते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। किसी किसको तो ऐसा रिपोर्ट देख देख के एक्चुअल बीमारी आ जाती है। नहीं सच बोल रही हूँ, एक रिसेंटली एक पेशेंट हमारे सर बता रहे थे कि वो कैंसर के लिए पहली बार गया चेक करने के लिए, नेगेटिव आया, दूसरी बार गया नेगेटिव आया, तीसरी बार गया फिर भी नेगेटिव आया, चौथी बार उन्हें पॉजिटिव करके भेज दिया। तो एक्चुअल है नहीं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन भी एक चीज़ होती है कि हम जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। हमारी एक नानी थी वो बोलती कि जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, तो विचार भी ऐसे होते हैं, हम जो विचार करते हैं वो हम बनते हैं।
तो अगर हम बोलते हैं मैं हेल्दी हूँ हेल्दी हूँ, तो बॉडी की एक मानसिक जो कैपेसिटी वो बहुत है। हाउ ना ये हाँ उपवास का भी ऐसा होता है कि देखो अपना सारे कैलेंडर निकाल के देखो, सारे जो उपवास आए ना मेजोरिटी ऑफ हमारे दस लक्षण देखो, नहीं तो अभी जो नवरात्रि में रखते हैं देखो, ये सब काइंड ऑफ वर्षा ऋतु में आए हैं, मतलब बारिश के सीजन। हाँ तो बारिश के सीजन में होता क्या है, तो नेचुरली हमारी अग्नि कम रहती है, ठीक है ना। जैसे पूरा बादल वगैरह छा जाते हैं तो आपको देखो एकदम से कुछ तो अजीब वगैरह लगता है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ी होती है, नहीं तो ऐसा कुछ कुछ होता रहता है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो पचाने की शक्ति रहती है वो कम रहती है, तो इसलिए उसी सीजन में मेजोरिटी ऑफ उपवास आए हैं। तो उस सीजन में इतना करो तो हो जाएगा। तो प्रॉब्लम किसको होता है बोलते हैं, जो वात और पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, तो जिनको पित्त प्रकृति वाले को भूख नेचुरली बहुत ज़्यादा रहती है और इनकी अग्नि भी तीक्ष्ण रहती है, तब वो जब उपवास करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। उपवास क्यों करना चाहिए, जैसे हमने खाया है, बहुत खाया है, पचा नहीं है, हमारी अग्नि कम है, तब उपवास करो। हमारी जो अष्टमी वगैरह होती है, अष्टमी चतुर्दशी, सारे के जो मून वगैरह जो है उसके हिसाब से हमारे उपवास आए हैं, फिर भी आपके अपने बॉडी देख के करना चाहिए। अगर आपने उपवास किया है, आपको हेडेक हो रहा है, नहीं तो मोशन नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आप कुछ ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि आप नहीं तो ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उपवास करने से भी वात बढ़ता है। जैसे एक वक्त हम खाना स्किप कर देते हैं, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं कि सुबह का खाते नहीं है, तो उससे भी वात बढ़ के वेट बढ़ता है। मैं बोलती हूँ अभी जो पेशेंट वगैरह देख रही हूँ सारे, तो कंसिडर करो कि 40% ऑफ द पीपल एक्चुअली खा के उन्होंने जाड़े नहीं हुए, जो खाना स्किप किया है उससे जो वात बढ़ा है उससे से बॉडी फूली है, जैसे डिलीवरी के बाद फूलती है, जो डिलीवरी के बाद ऐसे ही फूलते फूलते जाते हैं ना, एक्चुअल खा पी के नहीं फूलते, जो डिलीवरी के बाद जो वात वगैरह बढ़ता है अगर उनको कंट्रोल नहीं करते तो बॉडी फूलती है। तो आजकल के डाइट में वैसा ही हो रहा है कि जब नहीं खाते खाना, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं डायरेक्ट ब्रंच करूँगी तो भूख लगती है, तब भी नहीं खाते, ये प्रॉब्लम है। जो हमारा नेचुरल अर्जस है, प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद आती है, नहीं तो मोशन को जाने का मन करता है, आती है तो फर्स्टली अटेंड करो, उसको दबाओ मत, उससे वात बढ़ता है और उससे सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पता है मुझे अग्नि पूरी शांत होगी तो आप यहाँ पे नहीं, आप वहाँ पे होगे भगवान के पास। हाँ हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आया। भोजन के पहले जब पानी पीते हैं तो हमारा वेट कम करने में थोड़ा मदद होती है, तो उसे एकदम से शांत नहीं होती, जो हमारे अग्नि के जो ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, जो जो यहाँ पे आग लगी है तो उसको क्या बोलते हैं, जलाने के लिए कुछ हम लकड़ियाँ वगैरह डालते हैं, तो पहले आप थोड़ा पानी डालते हैं, तो ऐसे भी रेफरेंस है कि पानी थोड़ा थोड़ा पीने से अग्नि थोड़ी प्रज्वलित हो जाती है, और जो ट्रांसफॉर्म उसको जो काम है अग्नि का, तो उसको थोड़ा सा ये काम पहले मिल जाएगा तो ये काम करने लग जाएगी, और जब बाद में खाना खाएंगे थोड़ा सा कम खाएंगे, इतना ही होता है, एकदम से नॉर्मलाइज नहीं होती। अगर आपने पूरा खाना छोड़ के पेट भर के पानी पी लिया तो उस पर काम चल जाएगा। जो मैंने प्रोपोर्शन बोला कि 30% नहीं तो 25%, अगर उतना पियोगे तो आपकी भूख कम्प्लीटली शांत नहीं होती, आप और भी दो रोटी खा सकते हो। हाँ ठीक है, विदाउट पानी के आप अगर तीन रोटी खा रहे हो तो थोड़ा पहले पानी पी के आप दो रोटी खा लोगे, तो इतना ही उसको काम मिलता है, और उसको जो धातु वगैरह बनते हैं उसमें चेंजेस होके आपका वेट कम होने में थोड़ा मतलब हेल्प होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ पानी तो बैठ के पीना चाहिए, देखिए इसका भी, देखिए इसका भी एक पांच असर हो सकते हैं। जो आहार जब लेते हैं, आहार लेने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बोला है कि इष्ट देश है, इष्ट प्रदेश है, जो हमको इष्ट खाना है ये सब खाना चाहिए। जब हम बैठते हैं तो हम कुछ माइंड वगैरह काम होता है,
तो वो पानी पीते हो तो ठीक से रहता है। तो हमारे उम्मीदवार तो खड़े होकर आग लेते हैं। हाँ, हमारे उम्मीदवार तो खड़े होकर आग लेते हैं। देखिए, अगर उतनी आप साधना करते हो, उतनी आप साधना करते हो, तपस्या करते हो, तो वो थोड़ा रिसर्च करके हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्टिल नीड टू एक्सप्लोर दैट पार्ट। उनकी साधना होती है, वो एक टाइम खाते हैं, और उनके जो नियम होते हैं, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी रहती है, तो वो थोड़ी अलग है, थोड़ी स्टडी भी करनी चाहिए। फिलहाल हम जो सांसारिक लोग हैं, इनके लिए उनका भी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो होगा, उधर रिसर्च करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेंगे, पूरी टीम है तो आ जाऊंगा, कैलकुलेट कर कैलकुलेट करेंगे। एक ही बात है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, बोलते तो हजार लोग हजार बातें बोलते हैं, पर हमारे जो नानी नाना परदादी ने जो बोला है वही अल्टीमेट ट्रुथ है, वही सत्य है। पड़ता है मतलब दादी जो वगैरह अभी बता रहे हैं, आज के जो वेस्टर्न है, चाहे आप वॉशरूम जाओ या सोने पर जाओ, तो पहले तो बैठ के नेक मतलब रुमाल में सर देना, ये ग्रहण करना, भोजन ग्रहण दोनों बैठ के होता है। आज तो मोस्टली ऑफिस वाले सब देखो, ये जो घुटनों का दर्द है उसका सिंपल रीज़न है, मैंने आज तक जितने पेशेंट थोड़े बहुत देखे हैं ना, मतलब मेजोरिटी इस कैटेगरी में जो बैठते हैं, कि ज़्यादा पानी पी के, नहीं तो नहाने से पहले पानी पी के, नहीं तो पानी पिया है पचा नहीं है, ऐसे करके ही जो आम बनता है वो यहाँ पे जाके घुटनों में जाके बैठता है, नहीं तो उसकी थोड़ा डिफरेंट रूट ले लिया तो उसके थोड़ा क्लॉट्स बन के हार्ट में जाके बैठते हैं, तो यहाँ पे जाके बैठते हैं। तो दिस इज मेन रीज़न कि जो दर्द वगैरह जो भी होता है, देखो दर्द दो कंडीशन में होता है, जहाँ कहीं भी दर्द हो वहाँ पे समझ लेना कि वात बड़ा है। तो वात एक चीज़ बढ़ता है कि वात एक्चुअली बड़ा है कि जैसे हमने ज़्यादा काम कर लिया, नहीं तो जितना लुब्रिकेशन चाहिए बॉडी को उतना लुब्रिकेशन नहीं दिया, क्योंकि जैसे अभी हमारा एक दरवाज़ा है तो आगे पीछे हो रहा है, तो वो वहाँ पे कुछ लुब्रिकेशन है, अगर वहाँ के जो तेल है वो पूरा सूख जाएगा, तो सिर्फ रीज़न है, पर ऑल ओवर बॉडी में लुब्रिकेशन होना चाहिए, जब वो कम होता है तब वात बढ़ता है, वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जैसे मैंने बोला कि जो खाया है जो पिया है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो वो कहीं कहीं पे बैठ जाता है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस रेडी होते हैं, मतलब स्रोत जो स्रोतस रहते हैं उनका अवरोध होता है। तो वात की जो गति होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन वजह से वात रुक गया तब पेन होता है। तो ये दो कंडीशन में आपको पेन्स होते हैं। बाद में आके पूछ लेना, क्लियर कर लूंगी। देखो प्रकृति का पूरा अलग चैप्टर है, प्रकृति जो होती है बाय बॉर्न आती है, जैसे हमारा शुक्र शनि सम्यक होते समय जो उनकी जो गुण रहते हैं ना, तो उसके हिसाब से प्रकृति बनती है। आइडेंटिफाई देखो करने के लिए प्रकृति, दूसरा टॉपिक है, हम फिर से लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में नहीं बता सकती। इन शॉर्ट टाइप की बॉडी ऑब्जर्व करो, किसी के ड्राई हेयर होते हैं, किसी की गुस्सा ज्यादा आता है, तो ऐसे बहुत सारी चेकलिस्ट है, बहुत बड़ी चेकलिस्ट है, हम एक एक प्रकृति पे हम छः छः सेशन लेंगे, उतनी बड़ी प्रकृति है। तो इन शॉर्ट जब ऑब्जर्व कीजिए, पानी की तो बात इम्पॉर्टेंट है, क्लियर कर लो इमीडिएटली। क्वांटिटी अग्नि कैलकुलेट करो, समझो आप अभी आपका एक आधा लीटर पानी पी के आपका पूरा पेट भर गया, ऐसा एक बार कुछ तो कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता होता है कि कब मेरा पेट पूरा भरता है, तो उससे कैलकुलेट करके 30% नहीं तो 25% उतना ही पानी, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा पिएंगे तो बॉडी को जो मांस वगैरह बनने के लिए जो प्रोपोर्शन चाहिए वो कम हो जाएगा खाने में। हाँ, अभी नेक्स्ट उसी के, हाँ, तो स्नान का क्या होता है, कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है कि नाने लोग बोलते हैं ना कि आप नहा के आके खाओ तो हम दो तीन दिन वाले ज़्यादा खा लेते हैं, किसी ने ऑब्जर्व किया है कि हाँ मैंने नहा के आई और मैंने खाना कुछ अच्छे से खा लिया, नहीं तो कुछ ज़्यादा खा लिया, होता है ना। डॉक्टर लोग कहते हैं कि रात को एक ग्लास पानी पी के सोना चाहिए।
हाँ वो भी बताती, वो भी बताती, वो गलत है, बताती कैसे गलत है। तो अभी मैं स्नान का एक बार बोल लेती, बाद में उस पर आती। तो जब हम खाली पेट नहाते हैं तो जो हमारी अग्नि जो होती है वो शाखा से कोष्ठ को आती है, तो एक प्रोसेस होता है अंदर, इसलिए हमारी भूख बढ़ती है जब हम नहा के खाते हैं। और ये तभी होता है जब हम खाली पेट नहाते हैं, लिटरली खाली मतलब सिर्फ हवा जानी चाहिए, हवा के सिवा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दैट इज़ खाली पेट। अगर जब इस कंडीशन में तेल लगा के नहाते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो जब खाते हैं तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाती है। जैसे हमारी गति बोली अग्नि की, मतलब साइड से आके पेट में आती है, इसलिए हमारी अग्नि बढ़ती है। जो ऑलरेडी अपने पेट में कुछ रखा है तो ये पानी तो पिया है और इमिडिएटली मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो कम्प्लीटली पचा तो नहीं है वो, तो अपक्व जल है वो शाखा के लिए चला जाएगा, मतलब ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाएगा, शाखा मतलब हमारे रस रक्तादि में। तो वो जो अनडाइजेस्टेड जो पानी है वो उधर जाके तकलीफ करेगा, तो इसलिए खाली पेट तेल लगा के नहाना चाहिए। और तेल लगा के नहाना ना, ये एक ही टॉपिक एक घंटे का ले सकती हूँ, उतना इम्पोर्टेंट है। आप कुछ मत कीजिए, सुबह उठिए, पहले तेल लगाइए, नहाइए, और बाद में आपको जो जो करना है कर लीजिए। पानी पीना है तो मेक श्योर दैट पानी पीते हो, पचता है, उसके बाद आप खाना खा रहे हो, नहीं तो सब एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लो। ऐसा नहीं कि मैंने कॉफ़ी ले ली, 20 मिनट बाद मैंने कुछ खाना खा लिया, फिर मैंने वो पचा नहीं तो कुछ फ्रूट्स खा लिए, नहीं तो और थोड़ा पानी पी लिए। जब खाते तो कम्प्लीट ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जैसे बोला कि जो कुकर वाला एग्जाम्पल, पक रहा है चावल, मैंने बीच बीच में डालती जा रही हूँ डालती जा रही हूँ, ठीक से नहीं पचेगा, बदलेगा, रुको 5 साल रुको, बदलेगा वो बदलेगा। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि 2-2 घंटे में खाते जाओ। इसमें भोजन का जो समय आपने बताया, हाँ, कुछ बार ऐसा हो जाता है ना कि हम रोज 11 बजे खाना खाते हैं, हाँ हाँ, लेकिन कुछ चीज ऐसे होते हैं जब 11 बजे भूख नहीं लगती तो हम 12-1 बजे खा रहे हैं, तो ये भूल कहाँ पे बैठता है कि आपने जो कहा कि भूख लगे तभी खाना। ठीक है, एक चीज़ है कि खाने की जो टाइमिंग है वो हमको मेंटेन रखना चाहिए। कि अगर मैंने 9 बजे का मेरे खाने का टाइमिंग है तो आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, मतलब 8:30 से 9:30 बजे तक हमको खाना खा लेना चाहिए। आपने जो कंडीशन बोली कभी भूख नहीं लगती, तो थोड़ा ऑब्जर्व होगी मुझे आज भूख क्यों नहीं लगी, बारिश का सीज़न है इसलिए भूख नहीं लगी। अगर भूख नहीं लगती तो उस टाइम पे जो ईजिली पच जाए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, नहीं तो थोड़ा गर्म पानी कुछ तो डालो पेट में, नहीं तो और एक चीज़ है कि ऑब्जर्व करो क्यों भूख नहीं लगी। तो सुबह मैंने कुछ खाया क्या, ज़्यादा खाया क्या, उसके हिसाब से नेक्स्ट डे थोड़ा अल्टरनेशन कर दो। जैसे बोला कि बारिश में वैसे भी भूख नहीं लगती, तो सुबह जो आप ले रहे हो तो वो कम ले, तो आपको उस टाइम तक ठीक से भूख लग जाएगी। नहीं तो बारिश में क्या करते हैं, इतना ही हम हैवी, मतलब जितना हम ये विंटर के सीज़न में खाना खाते हैं उतना ही अगर सुबह खा लिया तो दोपहर तक तो उतना पचेगा नहीं, तो आपको नेचुरल है कि भूख थोड़ी सी आगे चले जाएगी। तो इस हिसाब से ऑब्जर्व करके, जस्ट ऑब्जर्व द योर बॉडी एंड उस हिसाब से थोड़ा ये कम खा लो, तो उस टाइम को आपको भूख लगनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रख के मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट? बहुत गलत है, बहुत गलत। अगर आप पी रहे हो तो मेक श्योर दैट अगर वो कंप्लीट पचने के बाद आप चाय लेते हो, नहीं तो कुछ भी लेते हो, खाना खाते हो, तो पानी जो पहले पिया है वो पचाओ। मैं जैसे बोला कि अगर पानी उबाल के पीते हो तो पचने के लिए 1.5 घंटा तो लगता है, तो नहाना है फिर भी 1.5 घंटे बाद नहाओ। अगर आपको कॉफ़ी लेनी है, चाय लेनी है, तो 1.5 घंटे बाद नहाओ। अगर पानी उतना लेना ही है तो पचाओ पहले, जो खाते हो पचने के बाद आप दूसरा लो। ये मतलब इतना रूल है कि आप 10 उसको स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत काम आने वाला है। जब तक भूख नहीं लगी तब तक खाओ मत, और जब भूख लगती है तब न खा के मत रहो। ठीक है, इतना ही करना है और अपना माइंड वगैरह शांत रखना है, सोने से पहले पानी पीना। जैसे हम जयंद्र में देखते हैं कि सनसेट से पहले खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, तो क्यों है कि 1-2.5 घंटे में पूरा पच जाता है, बाद में नींद अच्छी आती है, तो हम इमिडिएटली जब पानी पी के सोते हैं, एक तो है कि जो सोने से पहले जो मेडिसिन देते हो डायरेक्ट जाती है हमारे सिर में, तो जो इमिडिएटली जब सोने से पहले लेते हैं तो बिना पचे सिर में चली जाती है, तो उससे ग्रेजुअली हेडेक आना, नहीं तो हमारे मोशन में प्रॉब्लम, ये सारी होती है। तो जो कोई भी लेना है, खाने से एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले आपको
पानी भी पीना है तो 1.5 घंटे पहले। जो हमारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, तो हमको सब में मतलब आयुर्वेदिक में ऐसा चलता है कि अस्थमा का पेशेंट है, चलो अब जैन डाइट फॉलो करो, ये सभी डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि क्यों, अगर जो खाते हैं नहीं पचता है तो यहाँ पे बैठ जाता है, तो यहाँ पे बैठ कर उनका अस्थमा ज़्यादा होता है। तो उनको एक सभी मतलब सभी डॉक्टर बोलते हैं कि चलो अब जैन डाइट पर चले जाओ, सनसेट से पहले खाना खा लो। और पानी का जो है, सोने से 1.5 घंटा पहले पानी पी के, गर्म है तो 1.5 घंटा, क्योंकि पानी पचने में उबला हुआ पानी पचने में 1.5 घंटा लगता है, इसको रेफरेंस है। और ठंडा पानी पी रहे हो तो 3 घंटे तो चाहिए, नहीं तो 6 घंटे तक पकड़ लो। पानी गर्म करो, बॉईल करो, बॉईल करके 2 घंटे पहले पी लो, उसके बाद आप सो सकते हो, ठीक है। अगर आपको खाना खाने खाने के जब बैठते हो तब आपको भूख उतनी ही एक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर लो। पानी से ज्यादा थोड़े से अपने काले मनु के आते हैं ना, थोड़े से खा लो, मेंटेन कर लो। और जैसे आपने कुछ खा लिया तो आधे घंटे में आपको कम्प्लीटली मतलब ये जो एक मुहूर्त होता है उसके अंदर खाना खा लेना चाहिए। हाँ, दूध का बताती, दूध काम क्या करता है पता है कि ऑब्जर्व क्या होगी, अगर दूध पीते हैं तो एक तो किसी को गैसेस ज़्यादा पास होते हैं, नहीं तो किसी को लूज मोशंस होते हैं। तो बाय नेचुरली दूध की ये प्रॉपर्टी है कि जो अनवांटेड पित्त और वात होता है ये बाहर ढकेल देता है। तो जब हम दूध पीते हैं तो आपको बॉडी में जो अनवांटेड गैसेस है, नहीं तो पित्त है कहीं के, तो वात बैठा है, तो सबको दूध पकड़ के ला के चल बाहर निकल, वो सफाई कर रहे हैं आपकी, तो ये काम कर रहा है। इसकी वजह से अगर आप बोलोगे मैं दूध में गैसेस ज़्यादा पास, दैट इज़ अ गुड थिंग, वो नेगेटिव थिंग नहीं है, वो बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। अभी कभी आपको भूख नहीं है तो कभी कभी थोड़ी सी भूख है तो आप क्या बोलते दूध पी लो, जो अनवांटेड चीज़ें बाहर जाके आपकी अग्नि और अच्छी होगी। अगर आपको लूज मोशन जा रहे हैं तो जाने दो, अगर आप लूज मोशन जाने के बाद आपको वीकनेस आ रहा है तब मुझसे आके मिलो। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। बड़ी भोजन के साथ देखो, दूध के साथ एक स्टैंडर्ड रूल है कि खट्टे फल नहीं जाने चाहिए। जैसे होता है ना मिल्क शेक्स में कुछ खट्टा वगैरह जाता है तो वो विरुद्ध होता है। दूध के साथ सिर्फ मीठी चीज़ें जाए तो ठीक है, पर आजकल ऐसा होता है कि जो फ्रूट्स भी है उनको आर्टिफिशियली राइपन करते हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ा अम्लत्व, जो खटास होती है वह नेचुरली रहती है, तो यूजुअली अवॉइड करते हैं तो ठीक है। नहीं तो आपको पता है कि ये वाले जो बनानास है वो ठीक से नेचुरली पके हैं, जो एक्चुअली मीठे हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। तो उसके हिसाब उसके छोड़ के अगर आपने पाइन एप्पल ले लिया तो विरुद्ध बनेगा, और इससे रक्त दृष्टि पित्त दृष्टि वगैरह हो के आपको जो स्किन डिजॉल्व, नहीं तो ये तो कोई तो खुजली आ गई छोटी छोटी छोटी, ऐसा होता है। ड्राई फ्रूट्स देखो आपके हिसाब से है, यूजुअली जो काजू वगैरह होते हैं पित्त बढ़ाते हैं, तो उसको छोड़ के आप एक दो लेते हो आपको ठीक से पचता है तो आप ले सकते हो। अगर आप बहुत सालों से लेते आ रहे हो तो बॉडी को साथ में होगा, मतलब बॉडी को आदत हो गई है, आप वही खाना खाते हो तो आप ले सकते हो। इसके साथ अगर आपको कोई तो इचिंग हो रही है, नहीं तो कुछ तो एसिडिटी हो रही है, तो काजू का जो होगा परमानेंट ड्राई फ्रूट के जो अपने अपने गुण होते हैं, जैसे मोनाबलक की काला मुनक्का वो भी पित्त कम करने में मदद करता है, और काजू है वो बढ़ाता है। तो हिसाब से अगर कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे तो फाइन आप ले सकते हो, अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी खाने का कुछ भी पीने का एक ही रूल है कि बेस्ट है 2 से 3 इंस्टॉलमेंट, सुबह का, दोपहर का, शाम का, नहीं तो सुबह का शाम का, इसी टाइम पे आपके पेट को एक्टिव करो और ढक दो, वो पकेगा पकेगा, जब पके वो नीचे चला जाएगा, भूख लगे फिर दूसरा कुछ डालना है तो डालो। अच्छा सा वैसे नहीं, दूध जो लेना है खाने के साथ में ही लो, कुछ प्यास लगे मैं नमकीन खा लिया, चाय पी ली, ऐसा नहीं है। यूजुअली फल और दूध, दूध तो कभी भी ले सकते हो खाने के बीच में, अगर कभी भी ले सकते हो, पर ऐसा बोलते हैं कि मधुर जो मधुर आहार होता है वो पहले लेना चाहिए।
तो जैसे हमारी अग्नि होती है तो पहले वो ज्वलित रहती है ना, तो जो हम हैवी वाली जो पचने वाली चीज़ें होती है, जैसे मीठा पचने के लिए काइंड ऑफ हैवी होती है, तो पहले लेते हो तो बॉडी ठीक से पचा पाती है, और जो लास्ट में है ना वो कषाय रस, मतलब उसको क्या बोलते हैं, आंवला नहीं, कषाय रस मतलब वो छाछ की, फ्रेश छाछ के जो थोड़ा सा कसरट बोलते हैं दो मराठी में, कषाय ना, हाँ जो कषाय मतलब जो बटर मिल्क रहता है ना, जो फ्रेश वाला बटर मिल्क की जो थोड़ी सी जो टिंच आती है ना अंदर, ऐसा खट्टा भी नहीं और खट्टा को छोड़ के एक टेस्ट आती है खट्टा मीठा छोड़ के, उसको कषाय रस बोलते हैं, तो एंड में लेनी चाहिए। बहुत बेकार है, बहुत बेकार है डेजर्ट का जो स्वीट वाला कॉन्सेप्ट जो एंड में है कि मैंने लास्ट में फ्रूट डिश खा ली है, बहुत बेकार है। खाते समय लेते हो तो बेस्ट है, अगर आपको कोई वात की वगैरह बीमारी है तो आप लो, पर वो पचने के बाद सो जाओ, लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो पचा। दूध भी देखो इजीली एक डेढ़ दो घंटे में तो पच ही जाता है, तो सोने कम से कम डेढ़ दो घंटे पहले ले लो, जो कुछ भी लेना है दो घंटे पहले आप कंसिडर कर लो, ठीक है। ले सकते हैं वो भी अच्छी चीज़ है, जो कषाय बनाते हैं ना हम, तो उसमें वो कुछ धनिया और कुछ कुछ जीरा वगैरह डाल के बनाते हैं, तो आधा और ये आधा बनते हैं तो और थोड़ा लाइट हो जाता है पचने के लिए, और जब वैसे ही दूध आपको भूख वगैरह ठीक है तो आप ऐसे ही दूध ले सकते हो, उससे अगर तकलीफ हो रही तो डाइजेस्ट करके ले सकते हो, डाइजेशन के लिए ईजी हो जाता है। एक बार मुझे आके दिखाना चाहिए एसिडिटी क्यों हो रही है, मैं रिलॉट करूँगी, उसके बाद कुछ मेडिसिन है तो कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस है तो बताऊँगी, दिस इज पर्सनल हो गई। बहुत है मेन मुझे फोकस करना था कि खाली पेट नहाने का और सुबह उठते ही नहाने से पहले क्या बोलते न खाने का और सुबह उठते ही लीटर लीटर भर पानी पीने का, इसमें कुछ किसी को डाउट है? पीना है हाँ, पीना है तो पचने से पहले नहाना नहीं चाहिए, बट खाली पेट तेल लगा के नहाना ये वरदान है, लिख लो खाली पेट तेल लगा के नहाना वरदान है, और ये दिनचर्या में बोली गई चीज है, सारी बॉडी में लगाना चाहिए, तुरंत नहा लो। सुनो 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 सुन लो सुन लो, बहुत डाउट है नारियल का है किसका है, ये बोला ना एक घंटे का सेशन है कि कब नारियल का कब सरसों का कितना कैसे लगाना चाहिए, लगा सकते हो, पर अगर पहले हम झाड़ू मारते हैं बाद में पोछा मारते हैं, तो बॉडी में जो तेल लगा के नहाते हैं ना वो सच में बताती, जैसे हम सुबह उठ के झाड़ू मारते हैं ना घर का, तो बॉडी का झाड़ू लग जाता है तेल लगा के नहाने से, झाड़ू और पोछा जो है मतलब पहली बार साफ होता है, और लगाते समय एक चीज़ है कि ऐसे हवा में हाथ रख के नहीं लगाना चाहिए, अगर आप हाथ को लगा रहे हैं तो मेक स्टेबल, अगर आप किसी पार्ट को लगा रहे हैं तो स्टेबल होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में अपने हेयर्स गए हैं तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा नहीं है, जस्ट ऊपर से नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हेयर्स, मतलब अपने जो केश वगैरह होते हैं जिस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा, रिवर्स नहीं ऐसे ही, और वो पार्ट स्टेबल होना चाहिए, हवा में रखे ऐसे ऐसे से नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें बेसिक है। और कुछ डाउट? तेल या मुल्तानी मिट्टी एक साथ मतलब रिप्लेसमेंट है क्या तेल का? हाँ लुब्रिकेशन जो होता है ना, अगर ये दरवाजे पे जो हम ग्रीसिंग है तो वहाँ पे चून डाल के नहीं चलता, वहाँ पे ऑयल ही चाहिए, और जो बॉडी को जो लुब्रिकेशन चाहिए, मैंने बोला दरवाजा है ठीक से काम करते रहना चाहिए, लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी जॉइंट है तो ये आगे पीछे हो रही है, तो इसका रीजन क्या है, इसके अंदर जो लुब्रिकेशन है इसलिए वो घूम रही है ना ये जॉइंट, तो इधर लुब्रिकेशन कम होगा, जो हमारे खाने में जो घी होता है बटर होता है तेल होता है उससे आता है, तो लुब्रिकेशन बॉडी को चाहिए, और हम खाने गर्म खाने के साथ एक दो चम्मच घी लेते हैं तो
गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं। और गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी को बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। बस कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के घी को पूरा का पूरा वर्जित मत करो। अभी के कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि आप घी खाओ, कि जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे घी लगा लिया तो यहाँ पे जो चीज़ें बैठेगी ऐसे निकल जाएंगी उस चिकनाहट के वजह से। तो रिसेंट रिसर्च ऐसे है कि यहाँ पे कुछ ड्राई हो गया अंदर, आप थोड़ा इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ ड्राई हो गया, तो हम जैसे बोला कि न पचता है, जो पचता नहीं है तो यहाँ पे आके बैठ जाता है, फिसल के तो नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे जो लुब्रिकेशन नहीं है, पूरा ड्राई होके बैठता है। तो एक लेयर बैठ गया, उसके ऊपर और एक लेयर बैठ गया, और एक लेयर बैठ गया, तो फिसल के जाने की जो टेंडेंसी है बॉडी की नहीं है, पूरा ड्राई होके रहा है शरीर सबका। तो इस रीजन से यहाँ पे क्लॉट्स वगैरह बन के आज की जो हार्ट अटैक है ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये वाला रिसर्च रिसेंट आया है कि आपने घी कम खाने से आपको हार्ट अटैक ऐसे क्लॉट्स वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तब वो न पच के तब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, पर जब खाना गर्म है तो मेक श्योर दैट अगर आप घी खा रहे हो तो उसके साथ आपको गर्म खाना है तो गर्म पानी चाहना चाहिए। अगर आपने घी खा लिया इमिडिएटली ठंडा पानी मत पियो, वो वेस्ट है, वो ठीक से पचेगा नहीं तब आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप गर्म खाना है, राइस है चावल है, तो उसके ऊपर घी डालो, कुछ भी नहीं करेगा, मैं लिख के दूंगी। अगर तकलीफ है आपको एक बार आके पूछो, अगर डाउट है तो मुझे शुगर है बीपी है तो मैं ले सकती हूँ, कितना ले सकती हूँ, तो मैं बता दूँगी कुछ चेंजेस करने नहीं करने, ठीक है। पर यूजुअली एक दो चम्मच गर्म खाने के साथ यूजुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, जैसे देखा है, ले सकते। बस घी गर्म खाना नहीं तो गर्म पानी के साथ ही लेना चाहिए। अगर खाना ठंडा है तो मेक श्योर दैट आपका पानी गर्म है। हाँ, अगर गर्म लेते हो तो पच जाता है ठीक से। देखना चाहिए हेयर फॉल क्यों हो रहा है। अभी देखिए एक घंटा हो गया, वो खड़े हैं ना, सब लोग सजेशन के लिए और साले में बैठो और अपने सजेशन वहाँ। देखिए ये जो है, सुनो लास्ट का सेंटेंस है, ये जो जनरल चीजें मैंने बताई, अगर इसको छोड़ के आपको जो पर्सनल चीजें हैं जो आपको अभी भी बतानी चाहिए कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, अभी तो मैंने बताया क्या क्या करना चाहिए, इतना करो आपकी मेजोरिटी ऑफ द जो प्रॉब्लम है इसमें कम होनी चाहिए। और इसको छोड़ के आपको जो कुछ प्रॉब्लम बची है तो उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा और जो वो पर्सनल मुझे देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक दिन तो सैटरडे चलता है, वो वाकड़ में बुक करके रखा है, तो उसके चलते सैटरडे का ऑफ हो सकता है कि एक बार मैं डिसाइड करके बता दी, क्योंकि सुबह उधर दोपहर के उधर मुझे करना पड़ेगा। हाँ हाँ वो बताया था शीश भैया ने, तो एक बार मैं देखती कैलकुलेट करके बता दी, मैंने सोच ली। आपको यानी यू कोई नहीं बात।